तो एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास क्लास 11th का टॉपिक है हमारा संवाद, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। और इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। भाई, डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं और यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, कई सारे टॉपिक और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सारा सिलेबस कवर कर रखा है। पता नहीं मैं कितनी बार यही बातें बताता हूँ। कई बार बच्चे बोलते हैं स्थानीय शासन चैप्टर नहीं बना रखा, ये नहीं बना रखा, वो नहीं बना रखा। तो यार, मैं तुम्हें बता दूँ भाई, मैंने चैप्टर बना रखे हैं सारे, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ढूंढने हैं। वो आपको प्ले लिस्ट में जाके ढूंढो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक। और ये तो सिर्फ रिविज़न है, जो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं खाली कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही बता पाऊँगा। अगर आप अच्छे से टॉपिक को समझना चाहते हैं, समय तो कम है लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। और उन चैप्टर में मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को लेके बैठ जाऊँगा तो मैं एक दिन में मुश्किल से एक या दो वीडियो ही बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाऊंगा तो मैं पूरा सिलेबस करवा पाऊंगा, ठीक है। तो आपको देखना है पूरा सिलेबस चाहिए या अच्छे से चैप्टर चाहिए, और अच्छे से चाहिए तो पहले से बना ही रखें, आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संघवाद के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए संघवाद क्या होता है। संघवाद अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा दोस्तों कि संघवाद के तहत दुनिया में अलग अलग तरीके से संघवाद का यूज़ होता है, ठीक है। संघवाद का मतलब यह है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे दो तरह की सरकारें हैं, एक तो हमारी होती है राज्य की सरकार, एक होती है केंद्र की सरकार। उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, ज़्यादा ताकतवर होती है वो केंद्र सरकार होती है, और ये सारा सिस्टम संघवाद के तहत ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा संघवाद क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारे संविधान में संघवाद के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या शब्द है? वर्ड यूनियन, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में यूनियन, यूनियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है। ये है वो क्वेश्चन, हमें बताना है भाई संघवाद क्या है। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले मैं पेन का कलर चेंज करूँ। हाँ, अब देखो संघवाद क्या है, हमें ये बताना है। सबसे पहले आपको, जब भी आप रिवीजन करोगे तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समरी पढ़नी है। सबसे पहले भाई समरी पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन छांटने जो आपको नहीं आते हैं, फिर आपको उन पे फोकस ज़्यादा करना है। यही तरीका होता है रिविजन का। अब यहाँ पे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि संघवाद क्या है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपको पता है हमारे यहाँ पे दो तरह की सरकारें होती हैं और उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी जैसे मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे संघवाद है और संघवाद के तहत दो तरह की हमारे यहाँ पे सरकार है, एक होती है केंद्र की सरकार, एक होती है राज्य की सरकार। दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र की सरकार जो होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, इसके पास पैसा, टैक्स वगैरह सब कुछ आता है, ये पूरे देश को देखती है। राज्य की सरकार जो होती है वो अपने अपने राज्यों को देखती है। तो यही जो सिस्टम है ये सारा संघवाद के तहत आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र और राज्यों के बीच में उठे विवादों का समाधान किसके द्वारा होता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मान लो अगर विवाद हो जाए तो उसका जो क्या बोलेंगे, उसका सुलह बोलेंगे या समझौता बोलेंगे या कॉम्प्रोमाइज, वो कौन करवाएगा? तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, SC यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो करवाती है समझौता, ठीक है, समाधान ढूंढती है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया भाई भारत में? तो आप देखो भाई, मैं इसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे देश में ना पहले संविधान बनाते टाइम ये बातें चल रही थी कि केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए या राज्यों को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे कहते थे राज्यों को ताकतवर बनाना चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो कहते थे केंद्र को बनाना चाहिए। तो फिर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ध्यान में रखा, ध्यान में उन्होंने इस बात को रखा कि भारत जो है एक विशाल आबादी वाला देश है। क्या है हमारे देश में? विशाल आबादी है, ठीक है, करोड़ों लोग रहते हैं। और उन लोगों की अगर हम बातें करें तो उसमें से अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, कई तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह का पहनावा है, अलग तरीके से रीति रिवाज है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उन लोगों के बीच में। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में भाई संघवाद व्यवस्था को अगर हम अपनाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, सरकार अच्छे से प्रतिनिधित्व कर पाएगी पूरे देश की, पूरे देश का।
तो हम सीधा बोल सकते हैं कि विशालता है हमारे देश में, विविधता है, वैरायटी है, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से संघवाद को अपनाना ही जरूरी था। ठीक है, अब बात आती है अगला क्वेश्चन कि समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ से ना एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने देता हूँ मैं, आपको यहाँ से समझ में आएगा। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आपको बताता हूँ। आप एक बार अपनी स्क्रीन को देखो ध्यान से, और स्क्रीन में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे देश में होती है तीन तरह की सूची। एक होती है संघ सूची, जिसको केंद्रीय सूची भी कहा जाता है। दूसरी होती है राज्य सूची, ठीक है, जिसको राज्य सूची ही कहते हैं। तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब इनमें क्या डिफरेंस है आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि समवर्ती सूची पर किनको कानून बनाने का अधिकार है, तो इस बार तो समवर्ती सूची आया है। क्या पता आपके पेपर में समवर्ती सूची ना आए, वहाँ पे आपसे ये बोलते हैं संघ सूची बताओ, या ऐसे पूछ सकते हैं कि राज्य सूची के बताओ। तो मैं बता देता हूँ, देखो संघ का मतलब होता है केंद्र। जरूरी नहीं है कि संघ सूची लिखा, हो सकता है केंद्रीय सूची भी लिखी आ जाए, तो आप उसको ध्यान रखना। यानी सूची का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि मतलब केंद्र की लिस्ट, राज्य की लिस्ट और समवर्ती लिस्ट। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केंद्र संघ सूची में जो सरकार कानून बनाएगी वो केंद्र की सरकार बनाएगी। कौन सी सरकार बनाएगी कानून? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो कानून बनाएगी वो बनाएगी राज्यों की सरकार। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये पूछी गई है कि समवर्ती सूची में कौन बनाएगा भाई, तो हम इसमें बोलेंगे इसमें केंद्र की सरकार भी बना सकती है और राज्य की सरकार भी बना सकती है, यानी दोनों ही सरकारें चाहें तो कानून बना सकती है। लेकिन मान लो अगर समवर्ती सूची के जो विषय हैं कानून बनाने के, उनमें अगर विवाद हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? तो केंद्र का माना जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे जो विषय हैं उन विषयों को डाल रखा है इसमें। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, एक एक उदाहरण देता हूँ। केंद्र सूची में देखो, ध्यान से सुनो, केंद्र सूची में आते हैं ऐसे विषय जिसमें जो बड़े लेवल के विषय हैं, जैसे कि देखो रेलवे। रेलवे पूरे देश का है ना, पोस्ट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं डाकघर, डिफेंस जिसको बोलते हैं रक्षा, रक्षा से रिलेटेड, या फिर समुद्री पत्तन, बैंकिंग, आर्मी, आर्मी को क्या बोलेंगे? सेना। ठीक है, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे इन मुद्दों पे कौन बनाते हैं कानून? हमारी संघ सूची, केंद्र सूची। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैंने तीन चार ही लिए आपके सामने। राज्यों में आ जाएगी जैसे शिक्षा वगैरह आ जाती है, ठीक है, और पुलिस वगैरह, जो पुलिस होती है ये हो जाता है। शिक्षा भी आप एक बार कमेंट में बताना मुझे, शिक्षा एक जगह नहीं बल्कि दो जगह आता है, कौन कौन सी सूचियों में आता है आपको ये बताना है। पुलिस हो जाएगा, या फिर मतलब लोकल जो टैक्स से रिलेटेड कुछ राज्यों में सिस्टम होता है वो हो जाएगा, या फिर राज्यों में और छोटे मोटे मुद्दे हैं उस पर राज्य सूची बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रखा है, काम डिवाइड कर रखा है और वो सब काम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है सहकारी सहकारिया आयोग कब बनाया गया। तो आपको सन याद रखना है, इसका आंसर है छठा का 1983, यानी 1983 बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब आप जानते हो, इमरजेंसी बोलते हैं उसको, जब देश में इमरजेंसी लग जाए, तो इसके लिए अनुच्छेद 356 है। ठीक है, लेकिन बात चली है इसके लिए, तो इसके लिए 352, 356 और 360, तीन आर्टिकल आते हैं दोस्तों। तो मेन जो होता है वो 356 है, ठीक है, 352 अलग है, 360 अलग है। इनके क्या टॉपिक है, क्या मुद्दे हैं, ये सारे मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं, पहले वाले जो चैप्टर की वीडियो है, तो डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता मैं क्योंकि टाइम कम है, तो आप वहाँ पे जाके अगर डिटेल में जानना चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, लेकिन आपके जो इसमें आंसर दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 1954। ठीक है, तो जो 1954 है ना ये गलत है। हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी थी, मेरे पास हेल्प बुक थी, उसमें भी गलत दे रखा है। 1954 में नहीं बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई है 1953 में, और इसी से एक कानून बना था राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस तरीके से वो बना था 1956 में। तो इसके दो आंसर हैं यहाँ पे, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछे तो ये हो जाएगा 1953, अगर ये पूछ लें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ तो
तो ये हो जाएगा 1956। अब आपको ये गूगल सर्च करना है और गूगल में सर्च करके आपको पता करना है कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन 1954 आंसर नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसने इसलिए दे रखा है क्योंकि आपकी बुक में भी शायद 1954 ही दे रखा है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ये तो आपको पता ही होगा, अपना झंडा भी है इसका, 10वां, जम्मू कश्मीर, पता ना आपको, J&K, अलग संविधान है इसका और हमारे संविधान की सारी बातें लागू नहीं होती। धारा 370, आर्टिकल 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हो रखे हैं इसे, स्वायत्तता प्राप्त है, इसका अपना फ्लैग भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, सेकंड। तो मैसूर और मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया है? आपको पता होगा मद्रास पुराने टाइम पे, अगर हम देखें, मैं बात करता हूँ दक्षिण भारत की, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, और ये इस तरीके से है कुछ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो आपको पता है इस तरीके से जो है केरला है, और यहाँ पे भी आपको पता है यहाँ पे गोवा है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा इधर कर्नाटक वगैरह है, तमिलनाडु इधर, कर्नाटक इस तरीके से। तो ये पूछ रहे हैं कि मद्रास, पहले ना इधर पूरा एक बड़ा राज्य होता था जिसको मद्रास बोलते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब यहाँ से मद्रास हट गया है, यहाँ पे कर्नाटक तमिलनाडु इस तरीके से राज्य हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया है? तो देखो, मैसूर जो है यहाँ पे होता था, तो मैसूर को तो मैं बोलूँगा कर्नाटक। इसका एक और नाम था पुराना, उसको कुर्ग बोला जाता था पुराने टाइम में, क्या बोला जाता था, कुर्ग। अब बात मद्रास की करें तो इसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके से ये देश में आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद, जब देशों में राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब ये इस तरीके से हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघवाद में भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक है? विविधता में एकता का मतलब है कि हमारा जो देश है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले, हर अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। अब इतनी सारी वैरायटी में एकता है, तो संघवाद से कैसे एकता सहायक है, मतलब संघवाद से कैसे वो एकता बन पाई है, हमको ये बताना है। तो देखो, आपको पता है केंद्र और राज्य के अपने अलग वो बना दिए हैं कार्य क्षेत्र, इससे एकता हुई है कि भाई राज्य, जो राज्य की सरकार है उसको बता दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है, केंद्र की जो सरकार है उसको बता रखा है कि भाई तुम्हारा ये काम है। अब इस तरीके से दोनों का काम बट गए हैं, तो क्या है, अपने आप ही वहां पे क्या बन जाएगी, एकता बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद एक क्या दर्शाता है? बात चल रही है यहाँ पे आर्टिकल 1। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 में ये बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ मतलब है कि भारत जो है वो कई राज्यों को मिलाकर एक देश बना है, इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी है। तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम, शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है? शक्ति विभाजन का अर्थ होता है कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियों का बंटवारा है वो कर रखा है, जैसे विधायिका, न्याय का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरीके से क्या है, सबके काम बांट रखे हैं। ऐसे ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बना रखी है, ताकि मतलब राज्य सरकार को क्या करना है, केंद्र की सरकार को क्या करना है, ये सारी बातें की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि राज्य स्वायत्तता की मांग किस आधार पे करते हैं? आपको पता है कि विभिन्न राज्यों से ऐसी मांगें उठाई जाती है जिसमें स्वायत्तता की बात चलती है। स्वायत्तता का मतलब होता है कि ठीक है, कोई पानी के आधार पे मांगता है, कोई मतलब नदी जल बंटवारे में, या फिर कोई राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा मांग ले, या कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की स्वायत्तता हो सकती है, अलग राज्य बनाने की मांग हो सकती है, या भाषा के आधार पर अलग से गठन किया जा सकता है, मांगे होती है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राज्य में जो स्वायत्तता की मांग होती है वो किस आधार पे होती है? तो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट में लिखूँ तो ज़्यादातर होती है भाषा के आधार पे। अभी मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, वित्तीय, पैसों के आधार पे हो सकती है, वित्तीय शक्ति इस तरीके से। अब देखो, आपको पता है कि जितने हमारे देश में, जैसे पंजाब, हरियाणा,
ये बने हैं। पहले हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होता था, फिर पंजाब हरियाणा इस तरह पंजाब होता था, तो इसी पंजाब से फिर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अलग अलग राज्य बन गए। ऐसे ही एक है महाराष्ट्र जो हम पढ़ते हैं, वो महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने हैं भाषा के आधार पे। ठीक है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश जो है हम पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश में भी अलग हुए हैं, और ऐसे कई राज्य हैं जो भाषा के आधार पर अलग हुए हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं स्वायत्तता की मांग, जिसे हम स्वायत्तता कहते हैं। आप देखते हो कि दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं नदी जल बंटवारे को लेकर, तो ये भी एक तरह की स्वायत्तता है कि कोई ज़्यादा पानी की मांग कर देता है या जो भी है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 8, इंपॉर्टेंट, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा कवर। अंतर्राज्यीय विवादों को के दो उदाहरण बताना है। ठीक है, ऐसे विवाद बताना है जो कि अंतर्राज्यीय हो सकते हैं। तो देखो मतलब इसका मतलब ये है कि दो राज्यों के बीच में ना किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, तो वो तो आप ये सोचो ध्यान से कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विवाद है। थोड़े दिन पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में एक खबर बहुत दिन तक चली थी, वो थी नदी जल को लेकर। ठीक है, बता देता हूँ मैं, दो राज्य हैं, एक है तमिलनाडु एक है कर्नाटक। इनमें विवाद था एक नदी को लेकर जिसका नाम था कावेरी नदी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया था जिसमें बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने विरोध करा था। ऐसे अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा, तो इनके बीच में भी क्या है, विवाद रहता है। ठीक है, जल बंटवारे को लेकर। तो ये ऐसे हो सकते हैं विवाद। ठीक है, सीमा विवाद भी हो सकता है, जैसे पंजाब हरियाणा इनके बीच में ना चंडीगढ़ को लेकर विवाद है, चंडीगढ़ किसको दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने कौन कौन सी मांग उठाई है, यानी कि स्वायत्तता की मांग के आधार पे विभिन्न राज्यों ने अलग अलग तरह की मांग उठाई है। जैसे कि देखो क्या सोचो, अभी हम बात कर रहे हैं नदी जल बंटवारे को लेकर, पंजाब हरियाणा तमिलनाडु और उसके कर्नाटक के बीच में भी विवाद है, सीमा विवाद है, सीमा विवाद में नए राज्यों की मांग बनी है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ही राज्य होते थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ज्यादा राज्य नहीं थे, इन्हीं असम से टूट कर फिर बहुत सारे राज्य बने। ठीक है, और अगर आपको बताओ का आंध्र प्रदेश जो है, इससे भी सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। ये सारे क्या है, स्वायत्तताएं हैं। आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों को लेकर अधिकार, ये सारे जो ऐसी मतलब क्वेश्चन है जो अलग अलग तरह की मांगे उठाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषता बताओ। हमारे संविधान की विशेषता तो बता दोगे, लेकिन संघात्मक विशेषता बतानी है। संघात्मक विशेषता क्या होगी, देखो हमारे यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हो रखा है दो तरह के, एक केंद्र की सरकार में एक राज्यों की सरकार में। ठीक है, और क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी पूरे देश के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जिसमें एक ही कोर्ट होगी, जिसे हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश में सबसे बड़ी कोर्ट। ठीक है, पूरे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट वाई कोर्ट तो हर राज्यों में अपनी अपनी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी अदालत होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी, जिसका फैसला सर्वमान्य होगा। आपको पता होगा द्विसदनीय विधायिका भी है हमारे देश में। द्विसदनीय विधायिका का मतलब जानते हो, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे दो सदन है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। कौन से राज्यों में है, जैसे हो जाएगा बिहार में है, यूपी में है, और कहाँ पे है, J&K, जम्मू और कश्मीर में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, इन सभी राज्यों में क्या है, महाराष्ट्र वगैरह में, कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, और पूरे देश के लिए एक संविधान है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, हालांकि जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग संविधान है, लेकिन बाकी पूरे देश की बात करें तो एक ही संविधान है। अब भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषता, अब मैं आपको भाई दो तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल रट के जाने हैं, उनमें से क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आने के चांस होते हैं। कौन से वो दो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। या तो आएगा संविधान की 4 संघात्मक विशेषता बताओ, अगर ये नहीं आया तो आएगा 4 एकात्मक विशेषता बताओ। तो आपको क्या करना है, इनके आंसर लिख लेने हैं, मेरी बातों को सीरियस लो, लिख लेने हैं, और इनको क्या करना है, याद कर लेना है,
याद करो भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है और ये आएगा पेपर में। बहुत सारे प्रदेशों में राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश नहीं है, क्यों? इसलिए क्योंकि भाई ऐसा माना जाता है, राज्यपाल को कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का एजेंट है। क्या है? केंद्र सरकार का एजेंट। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो कामों में टांग अड़ाते हैं, ठीक है, जो सरकार के जो काम होते हैं उसमें टांग अड़ाते हैं ये। लेकिन फिर तीसरी चीज़ ये कहा जाता है कि राज्यपाल की जो राज्यपाल जो बनाए जाते हैं उसमें क्या है कि भाई किसकी चलनी चाहिए, बाकी सरकारों की चलनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति, एक सेकेंड, इसमें ये कहा जाता है भाई कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं मतलब केंद्र सरकार के आसपास की बात है, और ऐसे में राज्यों को लगता है कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, राज्यों को पावर देनी चाहिए। ये तो आप ये दो क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और अगर मैं आपको बैक में बताऊं कि पीछे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो शक्तियों का विभाजन पढ़ लेना, स्वायत्तता की मांग पढ़ लेना, अंतर्राज्य विवाद पढ़ लेना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची ये जरूर पढ़ लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, संघवाद क्या है ये पढ़ लेना। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन बताए हैं, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, छूट गई है वो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 6 नंबर में सेकंड क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो, ये आप याद कर लेना, और जम्मू कश्मीर को जो मिली विशिष्ट शक्ति का वर्णन करो, ये है। चलो मैं आपको यहीं डिस्कस कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, आप यहाँ समझ जाना। देखो हमें पढ़ना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के बारे में पढ़ लेना। इस पे केंद्र की सरकार कानून बनाती है, इस पे राज्य की सरकार कानून बनाती है, इसमें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद होने पे किसका माना जाएगा, केंद्र का। एक ये क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो देखो जम्मू कश्मीर J&K की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 370 के तहत क्या है, विशेष अधिकार मिले हैं, ठीक है। क्या क्या अधिकार हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे अलग झंडा है, अलग संविधान है, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, आप जम्मू कश्मीर में परमानेंट रह नहीं सकते, बस नहीं सकते, आप घूम सकते हो पर वहां पे बस नहीं सकते परमानेंट, ये सारे विशेष अधिकार हैं। जम्मू कश्मीर में फिर क्या है कि हमारे संविधान की सारी बातें लागू नहीं होती, ठीक है, भारतीय संविधान की सारी बातें J&K में लागू नहीं होती, लागू नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन रह गया था तो मैं आपको यहां से अलग से बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जो बेल आइकन है, बेल जो बनी होगी इस तरीके से कुछ बेल, उस बेल को बटन को दबा देना आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।